अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। इस वक्त हमसे बात करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव हैं। हम उनसे जानेंगे कि हम पार्टी किस तरीके से मजबूती से बिहार की जनता के पास जाएगी और क्या कुछ जो कि स्ट्रैटेजी होगी चुनाव के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी चुनाव में? देखिए, हम लोग का स्ट्रैटेजी बहुत पहले से होता है। माननीय जीताराम मांझी ने अपने शासन काल में 34 मुद्दा बिहार में लागू किया था जो गरीबों को हित में था। उन्होंने नारा दिया था कि बिहार के गरीबों एक हो, देश के गरीबों एक हो, जो भी गरीब हित में कार्य करेगा मैं उनके साथ हूँ। उसी लिए हम लोग महागठबंधन में आए और महागठबंधन में मिलकर हम लोग गरीब का आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों को दुख दर्द की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में आज तक ले NDA गठबंधन ने सिर्फ जुमलाबाजी देश को किया, बिहार को किया कि गरीबों के हित में मैं आपके खाते में 15 लाख रुपया देने जा रहा हूँ। बेरोजगारों को उन्होंने कहा था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने जा रहा हूँ। ये सब इनका हवा हवाई था। आज भी तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे योजना लाए लेकिन सब योजना इनका फ्लॉप है। बिहार की जनता भी त्राही त्राही है, देश की जनता भी त्राही त्राही है। जनता इंतजार कर रही है कि मैंने जो अपना जनमत दिया था तुमको महागठबंधन में रहने के लिए, लेकिन आपने महागठबंधन को छोड़कर NDA के गोद में जाकर, भाजपा के गोद में जाकर आप बैठ गए, इसलिए मैंने नहीं दिया था। ये बतलाने का काम करेंगे हम लोग। और जनता भी समझ रही है कि जब से ये भाजपा के साथ गए बिहार का विकास नग्न हो गया। जो इस तरीके से महागठबंधन पे लगातार जो है कि NDA के नेता हमला करते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी महागठबंधन में पार्टियां हैं वो पाकिस्तान की बोली बोल रही है और हम इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार से हम 40 का 40 सीट जीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से बनाने वाले हैं। देखिए, ये तो भाजपा वाला को और NDA गठबंधन को बिल्कुल जुमला है। ये हमेशा यही कहा करते थे, इनका गिरिराज सिंह हमेशा करते थे कि यदि मुसलमान वोट मुझे नहीं देगा तो मैं उनको पाकिस्तान भेजने का काम करूंगा। तो कम से कम इनके दल वाले ही ने इनको नवादा से उठाकर बेगूसराय भेजने का काम किया, जो रो रहे हैं। आए गतिविधि अपना खड़ा किए हुए हैं, नौटंकी किए हुए हैं कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इनके दल में इतने सारे फूट है, इतने सारे लड़ाई। आपने देखा होगा कि आज एयरपोर्ट पर कि रविशंकर जी के आ रहे थे और RK सिन्हा के कार्यकर्ता ने मारपीट किया, काला झंडा दिखाया। तो सबसे पहले मैं ये भी कह देता हूँ कि जो ये सोचकर शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर जी को दिए हैं, इनको बहुत महंगा पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से कम 4 लाख वोट से चुनाव जीतने का काम करेंगे। वहाँ का जितने सारे वोटर महागठबंधन के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को हाथ में लिए हुए हैं और कहें कि मैं बतलाता हूँ कि रविशंकर जी आप जो यहाँ आ रहे हैं, आज तक ले तो आप जनता के हित में कोई काम किए, कोई चुनाव नहीं लड़े। जिंदगी में पहली बार आप चुनाव लड़ने के लिए पटना साहिब से आ रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ और उनको बताने का काम करें। रविशंकर जी बुरी तरह से हारेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि गरीब जो 20% लोग गरीब की रेखा के नीचे आते हैं उनको हम साल में 72,000 रुपया देंगे। कहीं ना ये चुनावी जुमला तो इनका भी नहीं है। नहीं नहीं, आज़ादी के बाद आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के 70 साल हो गए, 55 साल ने कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज तक जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करते आए हैं। देश का स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिस वक्त देश आज़ाद हुई थी। ये राहुल गांधी और नेहरू खानदान का ही देन है कि इतना दूर तक ले देश को खींच के उन्होंने चलना। सम्मान योजना में राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसका चुनावी घोषणा पत्र में बात कही उसी को लेकर जेटली साहब ने साफ कहा कि ये इससे देश का जो आर्थिक विकास है रुक जाएगा,
ये इससे देश का विकास नहीं होने वाला है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, राहुल गांधी से जेठली जी हो या माननीय प्रधानमंत्री, इनको भय हो गया है जो उन्होंने प्रति महीना 12,000 जो कहा था कि गरीबी रेखा से में रहने वाले को उठाकर मैं 12,000 रुपया देने का काम करूंगा, ये लोग का लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि बिहार की जनता, देश की गरीब जनता राहुल जी के साथ हो जाए। लोगों का कहना है कि महागठबंधन तो है ही नहीं है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस आउट है, बंगाल में कांग्रेस आउट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आउट है, आपका दिल्ली में भी लगातार लग रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस आउट है, तो महागठबंधन में कांग्रेस है नहीं अब। सर जी, कोई जरूरी नहीं कि पूरे देश में गठबंधन हो, हर जगह अलग अलग हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। मेरा भी कहीं गठबंधन, मेरा सिर्फ गठबंधन सिर्फ बिहार में ही कमिटमेंट था। इसी प्रकार हर जगह जहाँ जहाँ राहुल गांधी के जिससे संबंध ठीक है, जिससे गठबंधन करना चाहिए वो गठबंधन कर रहे हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए अकेले भी लड़, लेकिन इस देश का हम लोग मान के चल रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री महागठबंधन में कोई होगा तो राहुल गांधी ही होंगे, इस देश को सही दिशा और दशा देने वाले होंगे वो राहुल गांधी ही होंगे। ये थे हमारे साथ में हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय यादव, ने साफ रूप से कहा कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की बिहार की जनता नकार दी है और देश की भी जनता नकार दी है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, LR न्यूज 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।